Ooh, it's AVB again. देसी अरोमा रेस्टोरेंट जो कि नया नया तो नहीं है, मतलब आपके लिए नया नया हम लोग लेके आए हैं। सो यहाँ पर काठियावाड़ी, चाइनीज और पंजाबी तीनों चीजें मिलती हैं। एंड हम लोग ने इनमें से चाइनीज नहीं मंगाया फिलहाल, चाइनीज हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे ट्राई करने। और अभी हम लोग ने मंगाया कुछ तो भी काठियावाड़ी एंड हाँ कुछ तो भी काठियावाड़ी एंड कुछ तो भी पंजाबी। सो आपको फूड होगा तब सब पता चल जाएगा। सो गाइज यहाँ पे बाहर गार्डन भी है, मतलब गार्डन रेस्टोरेंट वाला भी सीन है। ये लोग यहाँ पे रात को बाहर जो खटिया होता है ना उसके ऊपर सिटिंग करके वहाँ पे भी खाना देते हैं। सो इफ यू वांट टू कम इन नाइट, सो आपको वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। कम एट नाइट, सॉरी माय बैड, तो आपको वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। इफ यू वांट टू डू सम गेट टुगेदर या फिर कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज है, छोटी मोटी नहीं ये काफी बड़ा लॉन है, बड़ी बर्थडे पार्टीज है यहाँ तो फिर हाँ यहाँ पर एक और एक हल्दी फंक्शन भी हुआ हुआ है थोड़े टाइम पहले। सो यहाँ पर एरिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यू गाइस कैन कम एंजॉय। यहाँ पे सिर्फ आपको फूड लेना है और वहाँ पे आपको एंजॉय करना है। और वहाँ पे एक स्टेज भी इन्होंने बनाया हुआ है, पीछे एक झूला टाइप भी है और थोड़ा बहुत सब सब डेकोरेशन है, वो सब फ्री देते हैं वो लोग, ठीक है। और उसके सिवा भी अगर यहाँ का लाभ उठा लो, ठीक है, लाभ उठा लो अभी जब तक फ्री है। और उसके बाजू में एक यहाँ पे उन लोगों का एक पार्टी प्लॉट है, अगर आपको कोई बड़ा फंक्शन करना है तो वो लोग वो भी अवेलेबल हो जाएगा, पार्टी प्लॉट प्लस यहाँ पे खाना पीना भी, ठीक है। मतलब फुल पैकेज नहीं, सबको नहीं पता ना, पता नहीं उन लोगों के लिए, ठीक है। सो अभी हम लोग पहले हमारा फूड इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, आगे की लोकेशन और टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। चलो सो गाइज हियर इज अवर फुल मील। में रोटी भी जो है वो असोर्टेड है, मतलब अलग अलग टाइप्स की आपको रोटियां मिलेगी अंदर। और फिर है काठियावाड़ी, जिसमें काठियावाड़ी वगैरेला रोटला है। तो काठियावाड़ी रोटले के साथ हमारे पास है काठियावाड़ी मेड़ो, जो कि यहाँ की स्पेशल सब्जी है। उन्होंने बोला उसके अंदर बैंगन आता है, मिर्ची आती है, फिर भिंडी भी थी और ग्रेवी भी थी। सो इन सब का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने बनाया है। और ये जो है हमारे पास एक पंजाबी सब्जी है जिसका नाम है अरोमा स्पेशल, जिसमें दो टाइप की ग्रेवी रहेगी, ब्राउन और येलो वाली। सो उसके साथ साथ पूरी डिश के अंदर हमारे पास गुलाब जामुन भी है स्वीट के तौर पे। सो इतनी सारी चीज़ों का लुत्फ उठाते हैं साथ में, चलो। और गाइज ये ऐसे कोई कॉम्बो मिल नहीं है, हम लोगों ने अलग अलग सब मेन्यू में से चूज करके मंगवाया है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना फुल मिल में, ठीक है। तो गाइज ये जो चीज़ है इसका नाम है तवे से रोटी बास्केट, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटीज रहती है, जैसे कि नान है, फिर कुलचा है, फिर स्टफ रोटी है, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज आपको मिलेगी। और ये जो सब्जी है वो यहाँ की बहुत फेमस है और यहाँ के जो शेफ है उनकी भी मतलब रिकमेंडेड सब्जी है ये। सो यहाँ पे आप आते हो तो ये जरूर ट्राई करना ऐसा है, ठीक है। तो गाइस जितना सुंदर खाने का क्रेविंग था ना उतना ही टेस्टी खाना था, हम लोग ने काफी मन से खाया, उतना सारा इतने दिनों बाद खाया। और मैं मोस्टली देसी पंजाबी खाना लव करती हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा यहाँ का फूड। एंड तू बता, मतलब मैंने काठियावाड़ी फूड कम खाया, तो इसने कम खाया, मैंने भी इतना नहीं खाते, हमारे भी लाइक हम लोग भी गुजराती काठियावाड़ी खाते हैं, बट हम लोग ये बैंगन का भरता और ये सभी खाते थे इसमें। पर ये तो आज जो मैंने चीज चखी ना कि काठियावाड़ी मेड़ो, पहले तो नाम ही मुझे यूनिक लगा। जो काठियावाड़ी मेड़ो था ना वो काठियावाड़ी सब्जियों का मेड़ो था, समझे, मतलब जो फेयर होता है वैसे, लाइक बहुत सारी सब्जियों का काठियावाड़ी सब्जी, गुजराती सब्जी। और उसके सिवा जो था वगैरेलो रोटलो वो भी बहुत अच्छा था, मतलब टेस्ट के वाइज तो ऐसे वाली वाइब आ गई यू नो खा के। और उसके सिवा हमने स्वीट में गुलाब जामुन भी खाए,
प्लस जो रोटी थी वो कॉम्बो भी हमें अच्छा लगा कि लाइक फैमिली के साथ ज्यादा लोग आए तो हाँ एक ही मंगा लो, चार पांच लोगों अलग अलग वैरायटी की से रोटियां मिलेगी। और उसका नाम थोड़ा नाम चेंज है, मैंने पहले नाम अलग बोला था, हमने पूछा फिर नाम थोड़ा उसका तंदूरी रोटी बास्केट ऐसा नाम है उसका। सो वो भी बास्केट है, मतलब जो मैंने बोला वो भी एक अलग बास्केट है और ये भी एक अलग बास्केट है। सो गाइस यहाँ के जो रेट्स हैं वो काफी रीजनेबल हैं और यहाँ की जो रात की वाइब है ना, यू कैन रियली एंजॉय इट, क्योंकि रात में यहाँ पे देखा हम लोग ने काफी सारे लाइटिंग लगे हुए हैं और यहाँ के ओनर ने भी हमें आकर रिकमेंड किया कि एक बार रात को आओ। सो आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करो जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग आपके लिए रात का कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि दिन में तो हम लोग यहाँ पे शांति में आए हैं तो हम लोग वीडियो शूट कर पा रहे हैं, आवाज हमारी आपको अब तक पहुँच रही है, रात को नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि ऑब्वियसली रात में बहुत सारे लोग होंगे। एंड रात में यहाँ पे खटिया वटिया सब लोग आके मस्त काठियावाड़ी खाना खाने, काठियावाड़ी वाइब बनाने का। हाँ, और पंजाबी भी ले सकते हो इसके साथ साथ, और चाइनीज भी ले सकते हो इफ यू वांट। चाइनीज भी है यहाँ पे। यस, चाइनीज हमने ट्राई नहीं किया। वो कभी नेक्स्ट टाइम या रात को आएंगे तो उसका हो सके तो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ के जो टाइमिंग्स है वो सुबह के 11 से लेके दोपहर के 3 बजे तक है और शाम के 6 बजे से लेके रात को 11:30-12 तक ये ओपन ही रहता है। ठीक है, जब तक आप हो तब तक ओपन है। और मंडे टू संडे मतलब पूरा वीक चालू ही रहता है, कोई छुट्टियाँ नहीं यहाँ पे। और उसके सिवा यहाँ की लोकेशन दे दे। हाँ, ये रक्षा शक्ति सर्कल से गिफ्ट सिटी आने के रास्ते पर है, जो ओवरफ्लाई है, हाँ, जो ब्रिज है उसके एग्जैक्टली 100 मीटर थोड़े बाद, हाँ, लेफ्ट साइड है। ठीक है, और आप सर्च करोगे, हाँ, आप सर्च करोगे, ठीक है, तो जो आप सर्च करोगे द देसी अरोमा तो भी आ जाएगा। बट हाँ, इसमें एक लोचा है, मैंने देखा था कि इसकी दो लोकेशन आ रही है, हाईवे पे वहाँ पे आना है, अंदर की गांव वाली वो पूरा नहीं है, पता नहीं क्या है वो, थोड़ा बग है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉलो कर लेना। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वी आर एंडिंग इट ओवर हियर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नहीं गाइज, सब्सक्राइब कर लो फटाफट और बाकी वीडियोस भी देख लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जल्दी जल्दी अभी डालेंगे चैनल पे। चलो बाय बाय। सो गाइज एज यू नो खुशबू स्वप्ना सृष्टि में भी खाली जुलाई जुली थी और यहाँ पे भी जुलाई जुल रही है, उसकी सबसे उसके लिए सबसे एडवेंचरस राइड ही झूला है। इसको ना एक दिन वो बड़े वाले झूले में बिठा देना है जिसमें यहाँ से वहाँ ले जाए ना वैसे लंबे वाला।